Assalamu alaikum. Today's class is about basic structure of C++ program. और basic structure के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कौन से main portions हैं जो हमें required होते हैं और उनके बिना जो है वो हमारा जो program है या उसका जो syntax है वो पूरा नहीं होता, complete नहीं होता. कौन से important portions हैं, parts हैं. तो इसमें सबसे पहले है preprocessor directive, फिर main function और फिर program body. preprocessor directives क्या होते हैं? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंपाइलर को दिया जाता है ताकि वो आपकी लिखी हुई स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू अ करेक्ट सेंटेक्स, अ करेक्ट फॉर्मेट, उसको कंपाइल कर सके और कोई एरर ना आए. प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो हैं, इसी वजह से इनको कंपाइलर डायरेक्टरीज बोला जाता है क्योंकि ये कंपाइलेशन में हेल्प आउट कर रही होती हैं कंपाइलर को. ठीक है. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नाउन एज अ प्री प्रोसेसर. इट इज अ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो है वो पार्ट होती है C++ कंपाइलर का. इट मॉडिफाइज C++ सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन. ठीक है. आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास सेंटेक्स एरर्स आते हैं. ठीक है. तो वो किस तरह से पता चल रहा होता है? ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं यही बता रही होती हैं. और इनको इंक्लूड कैसे किया जाता है? मेन जो आपका फंक्शन होता है उससे ऊपर हैश सिंबल के साथ इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को इंक्लूड किया जाता है. और इनको हम हेडर जो फाइल्स है ना वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को हैश सिंबल के साथ और स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखी जाती हैं और इंक्लूड होती हैं हेडर फाइल्स के अंदर. लाइक आप लोगों के पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर में क्या होता है? इंक्लूड का वर्ड जो है ये आपका कीवर्ड रिजर्व वर्ड है. ठीक है. और इसमें हेडर फाइल है तो हेडर फाइल हमें कैसे पता चलता है इट्स अ हेडर फाइल? तो इसमें .h एक्सटेंशन लगी होती है. अब यहाँ पे होता क्या है? हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट और इसमें आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी .h. ठीक है. तो इस तरह से आप लोगों के पास जो है कंपाइलर के साथ हम लोग लिंक कर देते हैं इन फाइल्स को ताकि कंपाइलेशन में हेल्प मिल सके. अच्छा, अब इसमें आपके पास हेडर फाइल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. There are many header files for different purposes. Each header file contains different type of predefined functions. यानी कि ये ऐसे functions हैं जो पहले से ही जब language का compiler build किया गया तो उसमें design करके रख दिए गए. Like जैसे इसके एक simple सी मैं आपको example देती हूँ, जैसे math. ठीक है. math में हमने addition अगर perform करना हो तो हम लिखते हैं a plus b plus c. ठीक. तो ये हम लोग एक normal routine में एक value को दूसरी में add करवा रहे हैं, फिर तीसरी में add करवा रहे हैं. इसी तरह से अगर हम ये चाहें कि अगर हमने कोई एडिशन का फंक्शन लिखना है तो हमें ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर ना करना पड़े, बल्कि हम एक फंक्शन को कॉल करें और बस उसमें अपने पैरामीटर्स लगाएं और खुद ब खुद एडिशन जो है वो कैलकुलेट हो जाए. तो वो होगा क्या कि हम लोग जो सम का फंक्शन है उसको प्रीडिफाइन कर देंगे और उसे किसी लाइब्रेरी के अंदर रख देंगे. ठीक है. एज अ फाइल. और उसको फिर हम लोग जब अपने प्रोग्राम में जहाँ पे भी हमें सम की जरूरत होगी तो हम उस हेडर फाइल को कॉल कर लेंगे. द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज .h. द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम. दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाई C++ कंपाइलर सिस्टम. अच्छा, इसमें अब सेंटेक्स हमारे पास क्या है? इंक्लूड और हेडर फाइल नेम. ठीक है. और इसी तरह से इंक्लूड और हेडर फाइल नेम. अब इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ आप एंगल ब्रैकेट लगा सकते हैं, यहाँ आप कोटेशन मार्क लगा सकते हैं. अब लाइक जैसे आईओ स्ट्रीम है, आईओ स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. द हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स. इसी तरह से मैथ का है जिसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी. तो इस तरह से आप इनको जो है अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है मैं कुछ थोड़ी सी गलती कर गई हूँ. ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में दोबारा से मुझे अब रिमाइंड नहीं हो रहा कहीं पे. अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, कि वो इन फाइल्स को इंक्लूड करे. तो यहाँ मैंने जब सेंटेक्स बताया ना तो शायद यहाँ कोई मिस्टेक मैंने की हो, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. यहाँ पे जो हैश है ये हमारे सेंटेक्स का पोर्शन है और ये इंडिकेट करता है कि हम लोग यहाँ पे कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने लगे हैं. हमारे पास दो तरह से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, एक होता है इंक्लूड और एक होता है डिफाइन. ठीक है. तो हम लोग यहाँ नॉर्मली जब C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं या C में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग
इंक्लूड को यूज कर रहे होते हैं, तो ये इंक्लूड एक्चुअली इतना पोर्शन जो है ना ये प्रोसेसर को बता रहा होता है कि आप ये वाली हेडर फाइल जो है ना उसको ड्यूरिंग कंपाइलेशन जो है वो ऐड कर लें, ठीक है। तो उससे फिर सेंटेक्स जो है वो क्लियर हो जाता है आपके कंपाइलर को। तो इसी तरह से यहाँ पे अब मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है ये आपका स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होता है वाइड और मेन, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस होती है और पैरेंथेसिस में आपका जो बॉडी फंक्शन है उसे लिखा जाता है। अब आती है सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स। तो नॉर्मली बेसिक स्ट्रक्चर जो है सी प्लस प्लस का, इसमें सिर्फ तीन पोर्शंस हैं। नंबर वन पे आपको अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पता होना चाहिए, नंबर टू पे आपको हेडर फाइल्स रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स कंफर्म होनी चाहिए, और नंबर थर्ड पे आता है आपके पास आपका मेन बॉडी फंक्शन जिसमें आप फ्री होते हैं आप किसी भी लॉजिक अपनी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है उसको डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स की तरफ। अब सी प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं इनका भी एक खास सेंटेक्स है। लाइक जैसे पहले आप प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव लगाएं इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स, फिर मेन फंक्शन लगाएं, फिर आपकी कर्ली ब्रेसेस हैं। ये दोनों ब्रेसेस कौन सी हैं? कर्ली ब्रेसेस हैं, और इसके दरमियान आप लोग क्या लिखते हैं? सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ सी प्लस प्लस मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, ठीक है। और ये जो सेमी कॉलन होता है डॉट होता है और नीचे कोमा, ठीक है। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज सेमी कॉलन, और ये जो सेमी कॉलन है ये सी प्लस प्लस में एज अ टर्मिनेटर होता है और ये कंपाइलर को बता रहा होता है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गई है, और इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सी इन सी आउट के फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। सी आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे एक आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये मेन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं। लाइक जैसे सी आउट लिखा और सी आउट के बाद आपके पास दो यू एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर तो इनका ओपनिंग फेज जो है वो राइट हैंड साइड पे, तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आपका सारे का सारा इंसर्शन कहलाएगा। लेकिन अगर यही रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो वो फिर सीन के लिए इस्तेमाल होगा। अब आते हैं टोकन्स। टोकन जो होते हैं वो लैंग्वेज के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिनको डिफरेंट जो है वो हम तरीकों से जो है वो अभी एक्सप्लोर करेंगे। और एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट टोकन्स पे जो होती है वो कंसिस्ट कर रही होती है। लाइक जैसे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो उनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लैंग्वेज लिखते वक्त जो वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए जाते हैं वो उसके कीवर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, और वो कीवर्ड्स जो हैं वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक। और डिवेलपर्स ने यूज़ कर लिए होते हैं खास पर्पज़ के लिए और वो पीछे डिफाइन होते हैं, इसलिए आप खुद से उनके लिए कोई भी डेफिनेशन जो है वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर्स। ये आपके वेरिएबल या फंक्शन के नेम्स होते हैं, ठीक है, और ये यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। फिर आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आपकी जो होती है ना वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। इनको आप प्रोग्राम लिखते वक्त एक दफा साइन कर देते हैं और फिर ये ऐसी रहती है। इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल्स। ऑपरेटर्स का तो आपको पता है तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पंक्चुएशन का भी आपको पता है तो प्रोग्रामिंग के अंदर पंक्चुएशन के अंदर आपकी जितनी भी ये हैं ब्रेसेस की टाइप हैं, ये पैरेंथेसिस हैं और कोमा सेमी कॉलन और सिंगल और वो कोटेशन मार्क और ये तमाम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो अब आपका लेक्चर होगा ना वो होगा टर्बो सी प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन और इसके जो कंपाइलर्स कितने अवेलेबल हैं और उनकी क्या टाइप्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।